NSUI की बैठक प्रदेश सचिव शहीदुर रहमान अंसारी की अध्यक्षता में एक निजी हॉल में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में संगठन के प्रदेश सचिव शहीदुर रहमान अंसारी ने बताया कि बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए NSUI के छात्रों के साथ बैठक में छात्रों के हित की लड़ाई की आवाज उठाने के लिए सभी छात्रों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रा प्रियंका कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है, जिसको देखते हुए NSUI ने निर्णय लिया है कि उक्त घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा, जिससे छात्रा प्रियंका को न्याय मिल सके। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष आदित्य शुक्ला, महानगर प्रभारी NSUI सत्यम कुशवाहा, जिलाध्यक्ष अंशुमान पाठक, प्रदेश महासचिव योगेश प्रताप सिंह, प्रदेश महासचिव ऋषि यादव, प्रदेश सचिव विख्यात भट्ट, सुशांत शर्मा, अंकित पांडे, भानु मिश्रा, शशांक मिश्रा, अंकित त्रिपाठी, राजवीर सिंह, शिवम यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए NSUI के प्रदेश सचिव शाहिदुर रहमान अंसारी ने कहा, करता हूं। अंशुमान भाई जब से गोरखपुर के जिलाध्यक्ष हुए हैं, तब से गोरखपुर एक नया रोज रोज कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा काम करता है। आदरणीय गांधी जी महानगर झंडे को बुलंद करते हैं ये साथी। इन साथियों को मैं चाहता हूँ आपको तालियां। मुझे वो दिन याद है, ये मेरा क्रांतिकारी भाई योगेश प्रताप सिंह जी उपस्थित, कि जब योगेश प्रताप सिंह जी से और तमाम एमपी के लोगों से आलोक भैया झड़प होती है और ऋषि भाई और अंशुमान भाई और तमाम साथी आलोक योगेश भाई उपस्थित रहते हैं उस साथ, और मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि इन लोगों ने वो से और आज दिन का है, उस दिन से आज दिन तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ एक झंडा बुलंद होता है, वो बुलंद होता है NSUI। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत साफ बहुत और स्पष्ट भाई, घबराने का नहीं, सही हम सत्ता में नहीं है, लेकिन मैं आपको उम्मीद और विश्वास दिलाता हूँ। जी रहमान जी का भी बहुत बहुत यहाँ स्वागत अभिनंदन, हमारी क्रांतिकारी भाई और हमको साथ लेकर के दौड़ाने वाले शहीदुर रहमान अंसारी। आज गोरखपुर NSUI की कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया ताकि संगठन का विस्तार किया जा सके, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए उस पर चर्चा हुई, छात्रों के मुद्दे को लेकर किस तरीके से लड़ाई आगे पीछे की तरह आगे कैसे जारी की जाए उस संदर्भ में चर्चा हुई है। और हम चाहते हैं कि NSUI गोरखपुर जिला और महानगर की जो इकाई है उसको मजबूत कर छात्रों की लड़ाई एक सक्षम तरीके से लड़ी जाए। कल प्रियंका की हत्या हुई और उसको आत्महत्या बताने की कोशिश की जा रही है, उस संदर्भ में हमने चर्चा की है कि DM को ज्ञापन दिया जाए और इस लड़ाई की न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए ताकि एक बहन को और एक बेटी को और एक छात्र को न्याय मिल सके और आगे न्याय प्रणाली पर छात्रों का जो यकीन है वो बना रहे और छात्र किसी भी मुद्दे पर NSUI के साथ खड़े रहने के लिए तैयार रहें।